मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेरा बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए राहत की खबर है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पहलवान बालिक है, यह खुलासा दिल्ली पुलिस की जांच में हुआ है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स भी लगातार इस बात की पुष्टि करती नजर आ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉस्को एक्ट में दर्ज केस अब वापस हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो जांच में खुलासा हुआ कि लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत देश के शीर्ष पहलवान मंगलवार को गंगा नदी में अपने ओलंपिक और विश्व पदक विसर्जित करने के लिए सैकड़ों समर्थक के साथ पहुंचे थे। इस पर भारतीय कुश्ती महासंघ WFIA के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि प्रदर्शनकारी पहलवानों ने खाप और किसान नेताओं के मानने पर पदकों को गंगा में प्रवाहित नहीं किया, और ऐसे में अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने पलटवार किया है पहलवानों पर, और उन्होंने कहा है कि गंगा में मेडल बहाने से फांसी नहीं होगी। जरा वो वीडियो देख लीजिए। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मुझे फांसी चाहते हैं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से ब्रजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा।